Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। बच्चों, आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो टर्न लेगा आज का और एक टर्न और लेगा, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स के साथ आप ये वीडियोस तो शेयर करेंगे ही, मुझे पता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बच्चों, हमने लास्ट टर्न तक क्या चीजें सीख ली थी, हमने इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीख लिया था, हमने केडी निकालना सीख लिया था, हमने केपी निकालना सीख लिया था, हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीख लिया था और हमने कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करना सीख लिया था। आज बच्चों हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। आज हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। इस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिनोट करते हैं केओ से और इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, अब सर इसका काम क्या है। बच्चों, हम जब प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो वो पैसा डिफरेंट सोर्स से होता है। फॉर एग्जांपल, हमने प्रोजेक्ट ए में पैसा लगा दिया, प्रोजेक्ट ए में हमने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, प्रोजेक्ट ए में हमने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे। अब ये 10 लाख रुपीस कहां से आए। सर, हमने 4 लाख रुपीस इक्विटी से रेस करे और हमने जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली तो वो आई 20%। फिर हमने सर 3 लाख रुपीस डेप फंड से रेस करे और इधर हमारी जो कॉस्ट आई वो आई 9%, और बचे हुए 3 लाख रुपीस हमने प्रेफरेंस रेस करे और यहां जो कॉस्ट आई वो आई 12%। अब हमें यह पता है कि हमें 4 लाख पे इक्विटी को 20% देना है, 3 लाख की डेप्ट पे उसे 9% का रिटर्न देना है, 3 लाख के प्रेफरेंस पे उसे 12% का रिटर्न देना है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमने जो ये प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगाए हैं हमें इसका कितना रिटर्न कमाना है। हमारे लिए इसका कट ऑफ रेट यानी कि इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, हम इस प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करें कि ना करें, ये कैसे पता लगेगा। हमें एक कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा जो ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि हमें प्रोजेक्ट ए में पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। से हमारा प्रोजेक्ट ए जो है वो हमें रिटर्न दे रहा है 20% का, तो हमें प्रोजेक्ट ए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जब तक हमें यह नहीं पता लगेगा कि ये जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस 10 लाख की कॉस्ट क्या है, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें प्रोजेक्ट ए में पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। यहां पे WACC अपना रोल प्ले करती है। जब आप इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल चुके होते हैं तो हमें फर्म के लिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी होती है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बच्चों कैसे निकलेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगी KE मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस KD मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ डेप्ट प्लस KP मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ प्रेफरेंस। अब टोटल पैसा हमारे पास कितना है, 10 लाख, तो हम अगर वेट निकालें तो 10 लाख में 4 लाख कितना वेट रखता है। सर, 4 लाख को 10 लाख से डिवाइड करा दो, यानी कि इक्विटी का जो वेट है ओवरऑल कैपिटल में वो है 0.40। सिमिलरली आपका डेप्ट का जो वेट है वो है बच्चों 0.30, एंड जो आपके प्रेफरेंस का वेट है वो भी है 0.30। अगर आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालें तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगी 20% मल्टीप्लाइड बाय 0.40 प्लस
9% मल्टीप्लाइड बाय 0.30 प्लस 12% मल्टीप्लाइड बाय 0.30, 20% इंटू 0.4 इज 8%, 9 इंटू 0.30 इज 2.7% एंड 12 इंटू 0.30 इज 3.60%. इफ वी सम अप दीज फिगर्स वी विल गेट 8% प्लस 2.7% प्लस 3.6%, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कमिंग 14.30%. तो सर हमने जो ये फंड्स में पैसा लगाया है उस पे हमें हमारे लेंडर्स को ऑन एन एवरेज 14.30% वापस करने हैं और ये प्रोजेक्ट हमें 20% रिटर्न कमा कर दे रहा है, तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए सर प्रॉफिटेबल है, इस प्रोजेक्ट को आप क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो बच्चों अगर हमारी कॉस्ट 20% से ज्यादा होती तो हम इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। ये जो आपका 14.30 ओवरऑल कॉस्ट निकला है ये बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा कि हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये आपको हेल्प करेगा कंपनी के फाइनेंशियल पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारे ओवरऑल फंड्स की जो कॉस्ट है वो 14.30 है, तो जब कभी भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो हम 14.30% को यूज करेंगे, जब कभी भी हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेने वाले होंगे तो जो रिटर्न्स आने वाले हैं उनको हम 14.30% से कंपेयर करवाएंगे, डेटर्स की क्रेडिट पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए ये देखना होगा कि हमें क्रेडिट देने में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। सो बेसिकली दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कट ऑफ रेट, मिनिमम कंपनी को इतना तो चाहिए कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, अदरवाइज कंपनी लॉस में चली जाएगी। यहां तक बात समझ में आया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लियर हुआ, ठीक है। आइए जरा शीट पे और एक क्वेश्चन करते हैं। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको लग जाएगा कि शीट हमारी कहां है, शीट प्रोफेशनल पॉइंट की ऐप पे है और प्रोफेशनल्स पॉइंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ये शीट डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। आंसर द फॉलोइंग, एसके लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड फंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस, द स्पेसिफिक कॉस्ट आर आल्सो गिवन अगेंस्ट देम। इक्विटी शेयर्स हमारे पास 30 लाख के हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास 8 लाख के हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास 12 लाख की हैं, डिबेंचर्स हमारे पास 10 लाख के हैं और इनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट हमें दे दी गई हैं। रिस्पेक्टिव कॉस्ट में हमारे पास केई की कॉस्ट 15% है, प्रेफरेंस की कॉस्ट 8% है, रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट 11% है, केडी की कॉस्ट बच्चों 9% बिफोर टैक्स है और डिबेंचर्स हमारा क्या है सर, डिबेंचर्स पे तो हमें सेविंग मिल जाती है, डिबेंचर्स हमेशा किस पे निकलते हैं, आफ्टर टैक्स। तो इसको आफ्टर टैक्स कैसे कन्वर्ट करें, देखिए केडी आफ्टर टैक्स होती है दैट इज इक्वेलेंस टू केडी बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस टैक्स रेट। तो केडी बिफोर टैक्स आपके पास 9% है, टैक्स रेट आपके पास 30% है, तो आपका केडी आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 6.3%, ठीक है। अब देखिए इक्विटी को पैसा मतलब रिटर्न ऑलरेडी टैक्स के बाद दिया जाता है, प्रेफरेंस को रिटर्न टैक्स के बाद दिया जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी की होती हैं तो आफ्टर टैक्स होती हैं। तो ये जो आप कॉस्ट निकालते हो ये कॉस्ट ऑटोमेटिकली जब कैलकुलेट होती है तो ये आफ्टर टैक्स की होती है। रीजन समझ में आया, रीजन ये कि इक्विटी का प्रेफरेंस का पेमेंट जो होता है वो सबसे बाद में होता है, मतलब कि गवर्नमेंट के टैक्सेस को पे करने के बाद होता है, ठीक है। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस होती है, ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होती है,
डिबेंचर्स की कॉस्ट कैन बी ईदर बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स. इफ इट इज गिवन बिफोर टैक्स वी विल कन्वर्ट इट इनटू आफ्टर टैक्स. इज इट ओके? यस सर, इट इज ओके. चलिए क्वेश्चन करते हैं ये वाला. आपके पास टोटल फंड्स कितने हैं? 30 लाख प्लस 8 लाख 38 लाख, 38 लाख प्लस 22 लाख. आपके पास जो टोटल फंड्स लगे हुए हैं वो टोटल फंड्स आपके पास लगे हुए हैं 60 लाख के. तो हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें वेट निकालना पड़ेगा कि इक्विटी का वेट कितना है. 30 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, 30 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, आपके पास वेट आएगा 0.50. 8 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, आपके पास वेट आएगा 0.133. ट्वेल्व लैख डिवाइडेड बाई 60 लाख, वेट आएगा 0.20. 10 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, आपके पास वेट आएगा 0.167. अच्छा, एक मजे की बात देखना, जब भी आप वेट का सम करोगे, वेट का सम हमेशा क्या निकलेगा, 1. तो आपका इक्विटी वेट रखता है इसमें 0.50 का, प्रेफरेंस इसमें वेट रखता है 0.133 का, रिटेन्ड अर्निंग इसमें वेट रखती है 0.20 की, डिबेंचर्स इसमें वेट रखते हैं 0.167 का. आइए सर केओ निकालें. केओ कैसे निकलेगी? तो केओ का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया, केओ इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस के डी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ डेब्ट प्लस केपी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस केआर मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ आर. तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास 15% है और 15% का जो वेट है वो है 0.50. इसके बाद आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका है 2.133. 8% ये प्रेफरेंस का था. डेप है 6.3% मल्टीप्लाइड बाय 0.167 प्लस प्रेफरेंस का है 8% इंटू 0.133 प्लस आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का है 11% इंटू 0.20. सबका सम कर लें तो 15% इंटू 0.5 इज 7.5 प्लस 6.3 इंटू 0.166666666 1.05 प्लस 8 इंटू 1.33 10.67 सॉरी 8 into 0.133333333 1.07 प्लस 2.22. सॉल्व कर लीजिए. 7.5 प्लस 1.05 प्लस 1.07 प्लस 2.20 टोटल विल बी 11.82%. तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 11.82%. ठीक है, तो बच्चों WACC निकालने के लिए आपको दो स्टेप्स करने पड़ते हैं. पहला स्टेप होता है कि आपको इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी पड़ती है. और आपका जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कि आपको वेटेड एवरेज करना होता है आपकी इंडिविजुअल का. ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या निकल आती है, केओ. हमने जो अभी क्वेश्चन किया उसमें इंडिविजुअल कॉस्ट हमें गिवन थी, पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं रहता है, अपने को पहले इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी पड़ती है एंड देन वी हैव टू मूव फर्दर फॉर WACC. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कैलकुलेट WACC यूजिंग द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। बच्चा बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स में फर्क यह है कि WACC निकालने के लिए जब वेट्स का यूज होता है, WACC निकालने के लिए जब वेट्स का यूज होता है तो वी हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन वी कैन गो फॉर बुक वैल्यू वेट्स, दैट मींस जो वैल्यूज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही हैं उनका यूज किया जाता है, उनका यूज किया जाता है वेट्स कैलकुलेट करने के लिए एंड फर्दर WACC निकालने के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम मार्केट वैल्यू वेट्स को यूज कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास जो इक्विटी है, जो प्रेफरेंस है, जो डिबेंचर्स हैं, उनका हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं और फिर जो उन मार्केट वैल्यूज के बेसिस पे वेट्स आते हैं उनको यूज करते हैं अपना WACC निकालने के लिए। बात समझ में आ गया? तो बुक वैल्यूज में जो फिगर बुक्स में आ रही है, शेयर कैपिटल की, डिबेंचर्स की, उनका यूज किया जाता है वेट्स कैलकुलेट करने के लिए, और मार्केट वैल्यू में उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको यूज किया जाता है आपका वेट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो कैलकुलेट द WACC यूजिंग द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग द बुक वैल्यू वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज अंडर। डिबेंचर्स हमारे पास 100 रुपीज पर डिबेंचर है, 5 लाख रुपीज के। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले हैं, 5 लाख रुपए के। इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाले हैं, 10 लाख रुपीज के। टोटल हमारे पास 20 लाख रुपीज हैं। डिबेंचर्स हैं 105 पर डिबेंचर, ये मार्केट प्राइस दिया हुआ है, 105 पर डिबेंचर। प्रेफरेंस है 110 पर प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी का वैल्यू दिया हुआ है 24। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 100 पर डिबेंचर्स रिडीमेबल एट पार, 10% इनका कूपन रेट है, 10% इनका कूपन रेट है, 4% इनका फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 इयर्स हैं अभी इनके मैच्योरिटी में। 100 प्रेफरेंस शेयर्स हैं रिडीमेबल एट पार, 100 प्रेफरेंस शेयर्स हैं रिडीमेबल एट पार, 5% इनका कूपन रेट है, 2% इनकी फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 इयर्स हैं इनके मैच्योरिटी में। इक्विटी शेयर हैज ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ऑफ ₹24 पर शेयर। द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹1 विद द एनुअल ग्रोथ ऑफ 5%। द फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल द अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%। हमें बच्चों कैलकुलेट करना है WACC। आइए कैलकुलेट करते हैं WACC। पहले हमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी, तब हमारा दूसरा स्टेप जो होगा वो WACC होगा। ओके, चलिए फैक्ट्स नोट कर लेते हैं। फैक्ट्स हमें क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर इज 18। क्वेश्चन नंबर इज 18। वर्किंग नोट नंबर 1, वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेप्ट। KD का बच्चों जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV माइनस IV डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस IV डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, अब हमारे पास डिबेंचर्स कितने परसेंटेज वाले हैं? सर डिबेंचर्स का जो कूपन रेट है वो है 10 और इनकी जो पार वैल्यू है वो है 100। तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? इंटरेस्ट मिलता है सर फेस वैल्यू पे, 100 10% आप निकालोगे आएगा 10। बच्चों कंपनी का जो टैक्स रेट है वो है आई थिंक 35%, सॉरी कंपनी का जो टैक्स रेट है बच्चों वो है 50%। तो 0.50। रिडम्पशन कितने पे हो रहा है?
सर डिबेंचर्स जो है वो पार पे रिडीम करने की बात चल रही है, यानी कि रिडम्पशन होगा 100 रुपीज पे। इश्यू वैल्यू क्या निकलती है? सर इश्यू वैल्यू का मतलब होता है इश्यू वैल्यू माइनस इश्यू एक्सपेंसेस। तो अब क्वेश्चन साइलेंट है कि हम इसे कितने पे इश्यू कर रहे हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हम डिबेंचर्स को फेस वैल्यू पे ही इश्यू कर रहे हैं, यानी कि 100। हमें हालांकि इसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है, इस मार्केट प्राइस का हमें कुछ नहीं करना है। डिबेंचर्स के कैलकुलेशन के लिए वी नीड इश्यू वैल्यू। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द इश्यू वैल्यू, वी एज्यूम दैट डिबेंचर्स हैव बीन इश्यूड एट द फेस वैल्यू। तो आपका इश्यू वैल्यू कितना है? 100। और क्वेश्चन कह रहा है कि आपका फ्लोटेशन कॉस्ट आया था 4%, यानी कि जब आपको 100 रुपीज रिसीव हुए होंगे तो आपकी फ्लोटेशन में 4 रुपए खर्च हो गए होंगे, आपको रिसीव हुए होंगे 96 रुपीज। तो आईवी की जगह पर जाके मैं क्या लिख दूंगा? 96। मैच्योरिटी कितनी है? सर मैच्योरिटी होनी है 10 साल के बाद। ओल्ड डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू इज 100, इश्यू वैल्यू इज 100, 100 और 100 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 + 4/10 होल डिवाइडेड बाय 100 × 100। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आपके पास 5.40%। अब हमें क्या निकालना है? सर अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केपी। केपी का बच्चों फॉर्मूला क्या था? सर केपी का फॉर्मूला डिबेंचर्स के फॉर्मूले से मिलता जुलता था, बस इंटरेस्ट की जगह पर आप डिविडेंड लिख दीजिए, बाकी तो पूरा फॉर्मूला हमारा सेम ही है। डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमारा ये प्रेफरेंस है कितने का? सर प्रेफरेंस का कूपन रेट है 5%, और ये 5% किस पे दिया जाता है? सर ये 5% दिया जाता है फेस वैल्यू पे, यानी कि डिविडेंड आएगा 100 का 5% 5। रिडम्पशन किस पे होना है? सर रिडीमेबल है एट पार, यानी कि आपकी रिडम्पशन वैल्यू है 100। अब इसका भी इश्यू वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम यहां पर भी एज्यूम करेंगे कि इश्यू हुआ है फेस वैल्यू पे। हालांकि इसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है, प्रेफरेंस और डिबेंचर के केस में मार्केट प्राइस रिलेवेंट नहीं है, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस के केस में इश्यू प्राइस रिलेवेंट है। एंड वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट, वी प्रिज्यूम दैट डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस हैव बीन इश्यूड एट फेस वैल्यू। तो आपका प्रेफरेंस कितने पे इश्यू हुआ होगा? फेस वैल्यू पे 100 पे, और इश्यू करने पे आपके पास 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट आ गया, यानी कि जब आप इसका इश्यू वैल्यू निकालोगे तो 100 रुपीज पे आप इश्यू करोगे और 2 रुपए का फ्लोटेशन खर्च हो जाएगा, आपको मिलेंगे 98 रुपीज। तो 100 - 98, इसकी लाइफ कितनी है? सर इसकी लाइफ भी है 10 ईयर्स टू मैच्योरिटी। तो डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2 × 100, दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 + 2/10 होल डिवाइडेड बाय 99 × 100। 5.20 डिवाइडेड बाय 99 × 100, 5.2 डिवाइडेड बाय 99 × 100, इट विल कम टू 5.25%। जो हमसे एक गलती हो गई जोश जोश में, ये यहां पर 100 नहीं आएगा, यहां पर 96 आएगा, और 100 प्लस 96 का आप एवरेज करेंगे तो 98 आएगा, और यहां पे 5.40 डिवाइडेड बाय 98 × 100 किया जाएगा,
5.4 डिवाइडेड बाय 98 इनटू 100 किया जाएगा, रिजल्ट आएगा 5.51%। ठीक है, तो सर आपने केडी निकाल ली, आपने केपी निकाल ली, अब लास्ट काम आपका, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। ये होगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बच्चों यूज होगा, के ई इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस जी। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज रुपीज 1 विद अ एनुअल ग्रोथ ऑफ 5%। द फर्म हैज अ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल द अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और हमारे पास यहां पर इक्विटी का जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 रुपीज, और यहां हमें बता रहा है कि इक्विटी में 4 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाएगा। तो अगर आप यहां पर जाएंगे तो D1 में रखेंगे आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है हमारे पास 1, P0 है आपका 24, लेकिन 4 रुपए आपके फ्लोटेशन में खर्च हो जाएंगे इंटू 100, और ग्रोथ आपको जो बच्चों गिवन है वो गिवन है 5%, तो प्लस हो जाएगा 5%। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज रुपीज 1। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड ना होता, करंट डिविडेंड होता तो क्या होता? सर अगर ये एक्सपेक्टेड की जगह करंट डिविडेंड होता तो ये D0 होता, तो फिर हम D1 कैलकुलेट कर लेते। अभी तो फिलहाल ये D1 है, अगर ये एक्सपेक्टेड की जगह करंट होता तो ये D0 होता, और D0 से D1 कैसे निकलता है, आप इसमें 1 प्लस जी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। बहरहाल अभी ये D1 है तो हमारे लिए तो यही काम का है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 प्लस 5%, 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 5%, 5% प्लस 5%, इसको आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 10%। तो अभी तक आपने क्या कर लिया, आपने इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। ये इंडिविजुअल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, इंडिविजुअल कॉस्ट में के ई आ गया आपके पास 10%, केपी आ गया आपके पास 5.25%, और केडी आपके पास आ गया था 5.1%। अब हमें क्या करना है, अब सर हमें निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें वेट्स का यूज करना पड़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें वेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वेट्स के लिए हमें वापस से थोड़ा क्वेश्चन में आना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बुक वैल्यू के वेट से, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा मार्केट वैल्यू से। तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बुक वैल्यू वेट्स के बेसिस पे। तो जरा हमें चाहिए क्या क्या, डिबेंचर, प्रेफरेंस और इक्विटी। डिबेंचर्स हमारे पास कितने रुपए के हैं? सर डिबेंचर्स हमारे पास 5 लाख रुपीज के हैं, प्रेफरेंस भी हमारे पास 5 लाख रुपीज की है, इक्विटी हमारे पास 10 लाख रुपीज की है, टोटल हमारे पास 20 लाख है। तो अगर आप वेट निकालोगे तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख 0.25, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख 0.25, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख 0.50। तो आपका KO क्या होगा, KD मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ डेप्ट प्लस KE मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस KP मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ प्रेफरेंस।
तो आपके पास केडी आ रहा था 5.51 और केडी का वेट निकला है 0.25। केई आपके पास आ रहा था 10%, इसका वेट निकला है 0.5। केपी आपके पास आ रहा था 5.25% और इसका वेट निकला है 0.25। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5.51 इंटू 0.25, 1.38 प्लस 10% इंटू 0.5 करेंगे तो 5% प्लस 5.25 इंटू 0.25 करेंगे तो 1.312% सबका सम कर लीजिए, प्लस 5 प्लस 1.38, रिजल्ट विल बी 7.69%। तो अगर आप इसे बुक वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 7.69। अब यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है मार्केट वैल्यू से, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें मार्केट वेट्स निकालने पड़ेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे मार्केट वैल्यू वेट से तो आपको मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, डिबेंचर्स की नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर डिबेंचर। आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 5 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं, हर डिबेंचर आपका 100 रुपए का है, दैट मीन्स आपके पास 5,000 डिबेंचर्स है। 5 लाख आपके पास प्रेफरेंस है, हर प्रेफरेंस 100 रुपए का है, यानी कि आपके पास 5,000 प्रेफरेंस है। 10 लाख आपके पास इक्विटी है, हर इक्विटी 10 रुपए की है, यानी कि आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। तो 5,000 का मल्टीप्लीकेशन 105 से होगा, प्रेफरेंस के लिए 110 से होगा और इक्विटी के लिए 24 से होगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 105, आपके पास वेट निकल के आ जाएगा 5,000 इंटू 105, 5,25,000। प्रेफरेंस का आप जब वेट निकालेंगे तो प्रेफरेंस का वेट आएगा नंबर ऑफ प्रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर प्रेफरेंस, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 110, इट इज 5,50,000। इक्विटी की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इक्विटी में नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास 1 लाख और जो मार्केट प्राइस है वो है आपके पास 24, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24 लाख। टोटल आप करेंगे 24 लाख प्लस 5,25,000 प्लस 5,50,000, 5,25,000 प्लस 5,50,000 प्लस 24 लाख, 34,75,000। ये आ गया आपके पास मार्केट वैल्यूज। अब हमें इन मार्केट वैल्यूज के बेसिस पे वेट निकालने हैं, वेट कितने हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 5,25,000 को 34,75,000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी 5,25,000 को 34,75,000 से डिवाइड कराएंगे, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 34,75,000, रिजल्ट विल बी 0.15। 5,50,000 को 5,50,000 को डिवाइड कराएंगे 34,75,000 से, रिजल्ट विल बी 0.158। और 24 लाख को डिवाइड करवाएंगे 34,75,000 से, रिजल्ट विल बी
691। ठीक है, अब आपके पास मार्केट वेट्स आ चुके हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट हम निकाल चुके थे, अब हमें कुछ नहीं करना है, केओ निकालना है। अब हमें केओ निकालना है, केओ 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 केओ। तो KO is equals to KD into weight of debt plus KP into weight of preference plus KE into weight of equity. तो KD आपके पास आ रही थी 5.51, 5.25 और 10. 5.51, 5.25 और 10, इनको इनके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई कराइए, 0.151 मल्टीप्लाइड बाय 0.158 5.51 into 0.151, 0.832 plus 5.25 into 0.158, 0.829, and the last one is 6.91%. इसको आप solve करेंगे तो 0.832 plus 0.829 plus 0.691 plus 0.829 plus 0.832, result will be 8.571. result will be 8.571%. So this is the difference between book value and market value. Clear ho gaya? बुक वैल्यू में आपका रिजल्ट जो आ रहा था वो आ रहा था 7.69 और यहां जो आपका रिजल्ट निकल के आया है वो निकल के आया है 8.571। लॉजिक समझ में आ गया, क्लियर हुआ? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपने अगर नोटिस करी हो कि हमने जो कॉस्ट निकाली थी, मतलब जो हमने इंडिविजुअल कॉस्ट निकाली थी, उसमें कोई फर्क नहीं आया, वो अनचेंज रहती है या फिर आप कह लो कि वो कांस्टेंट रहती है, चाहे तुम बुक वैल्यू से कैलकुलेशन करो चाहे तुम मार्केट वैल्यू से कैलकुलेशन करो, मतलब उनका कैलकुलेशन अपने बेसिक्स पे होगा, केवल वेट निकालने में तरीके बदलते हैं, वो या तो बुक वैल्यू के बेसिस पे हो सकते हैं या तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हो सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कर लिया, 19 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क पे है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क पे रहेगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करेंगे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी कराया है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में आपको सेल प्राइस गिवन है, दैट मींस ये जो सेल प्राइस है ये आपकी इश्यू वैल्यूज हैं, तो आपको क्वेश्चन में इश्यू वैल्यूज अवेलेबल करा दी गई हैं, ओके 21 अभी रुक के आते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। बीटा लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट्स अर्निंग पर शेयर इज ₹4, रेट ऑफ टैक्स इज 30%, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25, ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड इज 8%, मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹40। द कंपनी वॉन्ट्स टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10 lakh, इंक्लूडिंग अ डेप्ट ऑफ ₹4 lakh। द कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स इज 10% अप टू 2 lakh and 15% beyond that. Calculate the after-tax cost of equity, debt and the weighted average cost of capital. चलिए सबसे पहले आप cost of equity calculate कर लीजिए. Cost of equity calculate करने के लिए हमें क्या चाहिए? सर जी हमें चाहिए cost of equity calculate करने के लिए D1. तो क्या question में D1 given है बच्चों? नहीं सर, क्वेश्चन ने तो हमें D1 दिया ही नहीं बच्चों, हम D1 फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? क्वेश्चन में आपको EPS गिवन है, हमारा EPS है ₹4 का। आपको पे आउट रेशियो गिवन है, पे आउट रेशियो है 25%। मतलब कंपनी ₹4 कमाती है तो उसका 25% एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो D0 हमारा क्या हो जाएगा? D0 हो जाएगा EPS मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो। ठीक है, EPS कितना है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 25%। इसका मतलब कंपनी ने अभी ₹4 कमाए हैं तो कंपनी अभी करंटली कितना डिविडेंड देगी? 1। लेकिन सर जो फॉर्मूला है KE का, उसमें हमें क्या चाहिए? D1। D1 यानी कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालने के लिए आपको ग्रोथ दे रखी है। तो D0 आप निकाल चुके हो, D1 आप कैलकुलेट कर लोगे। D1 क्या हो जाएगा? D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। D0 है आपका 1 और ग्रोथ रेट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 8% का, तो 0.08 की ग्रोथ हो गई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास D1 कितना निकल आएगा बच्चे? 1.08। तो यहां पर जाके आप रख दीजिए 1.08 आपके पास ग्रोथ, सॉरी D1 आ गया। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹40, तो यहां जाके आपने 40 रख देना है, मल्टीप्लाई 100 से करा लेना है और फिर 8% के ग्रोथ रेट से प्लस करवा देना है। तो 1.08 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100 इज 2.7। 2.7 प्लस 8% इज 10.7%। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकल आया? 10.7%। अब क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा था? क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि सर हमको ₹10 lakh का फाइनेंस चाहिए, ₹10 lakh का हमको फाइनेंस चाहिए, जिसमें से हम ₹4 lakh कहां से लेंगे? डेट से लेंगे। तो आपके पास ₹4 lakh डेट से आएंगे और ₹6 lakh आपके पास इक्विटी से आएंगे। तो इक्विटी की तो कॉस्ट आपने निकाल ली कि बॉस इस 6 lakh की जो कॉस्ट आई है वो 10.7% आई है। अब हमें इस 4 lakh की कॉस्ट का इंतजाम करना है। इसके लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सर पहले दो लाख पे आपको 10% के हिसाब से डेप्ट मिलेगी और उसके बाद जितना भी पैसा आप रेस करोगे उसमें आपको 15% के हिसाब से पैसा मिलेगा। यानी कि इस 4 lakh में ₹2 lakh डेप्ट की कॉस्ट कितनी है? ₹2 lakh डेप्ट की कॉस्ट है बच्चों 10% बिफोर टैक्स, और बचे हुए 2 lakh की कॉस्ट कितनी है? बचे हुए 2 lakh की कॉस्ट है 15%
बिफोर टैक्स, इज इट ओके? जी सर। तो अगर इसे आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट इज, टैक्स रेट इज मिसिंग, चलिए एज्यूम कर ले रहे हैं टैक्स रेट, क्वेश्चन में टैक्स रेट प्रिंट नहीं हुआ है, एज्यूम कर ले रहे हैं हम टैक्स रेट 50%, एज्यूम कर ले रहे हैं, नहीं गिवन है, रेट ऑफ टैक्स आपको गिवन है 30%, एज्यूम करने का जरूरत नहीं है, चश्मा लगवाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है? तो 1 माइनस 0.30 और यहां पर कितनी हो जाएगी केडी की कॉस्ट, 15% 1 माइनस 0.30, तो आप 15 × 0.7 करेंगे तो आपके पास आएगा 10.5%, और यहां आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आपके पास आएगा 7%। अब ध्यान से समझिएगा, आपके पास दो डेप्ट है, एक डेप्ट है आपके पास 7% की और एक डेप्ट है आपके पास 10.5% की, और दोनों में 2-2 लाख रुपए हैं। 7% कॉस्ट वाले फंड्स भी 2 लाख के हैं और 10.5% वाले फंड्स भी 2 लाख के हैं, तो वेटेड एवरेज केडी का कितना हो जाएगा, वेटेड एवरेज केडी का हो जाएगा 7% × 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। हमारे पास टोटल 4 लाख रुपए की डेप्ट है जिसमें से 2 लाख की 7% है, प्लस 10.5% × 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.5% और ये आएगा 5.25%, दोनों का सर सम कर देंगे तो आ जाएगा 8.75%, ठीक है? तो आपके पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकल आई है 8.75%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास निकल आई थी 10.7%, आपको दोनों के वेट्स पता है, तो केओ क्या होता है, केओ होती है वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेप्ट इंटू कॉस्ट ऑफ डेप्ट। वेट ऑफ इक्विटी इज 0.60, कैसे सर, 10 लाख में 6 लाख रुपए इक्विटी के हैं तो इक्विटी का वेट कितना है 0.60 और डेप्ट का वेट कितना है 0.40। 0.60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10.5%, वेट ऑफ डेप्ट इज 0.40 एंड द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 8.75%, 8.75%, ये हमने यहां से जो पिक करा ये रहा, तो 10.5 × 0.6 करेंगे आएगा आपके पास 6.30%, और यहां पे 8.75 × 0.4 करेंगे तो आएगा हमारे पास 3.50%, टोटल जो हमारी कॉस्ट आएगी बच्चों वो आएगी 9.80%। समझ में आया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आज सब एलिमेंट्री क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपका बेस एक बार बन जाए, फिर हम डिटेल में जो बड़े क्वेश्चंस हैं अच्छे से वो लगा लेंगे, ठीक है? जी सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इज इन होमवर्क, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 27। PQR Limited has the following capital structure on October 31st, 2010. Equity share capital 2 lakh shares of rupees 10 each, 20 lakh ke. Reserves and surplus is 20 lakh. 12% preference share is rupees 10 lakh.
9% डिबेंचर इज रुपीज 30 लाख एंड टोटल हमारे पास जो फंड्स हैं वो हैं 80 लाख. द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज रुपीज 30. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे नेक्स्ट डिविडेंड. कंपनी विल पे नेक्स्ट डिविडेंड. तो नेक्स्ट डिविडेंड का मतलब बच्चे क्या हो गया? D1, विच विल ग्रो एट द रेट ऑफ 7% फॉर एवर. ग्रोथ रेट दे दी उसने आपको. एज्यूम 40% इनकम टैक्स रेट. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट WACC यूजिंग द मार्केट वैल्यू वेट्स. ठीक है, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. आइए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और हमें इसके अंदर कॉस्ट ऑफ डेप्ट फाइंड करनी पड़ेगी. वी नीड टू फाइंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट. कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैसे निकलेगी? जरा क्वेश्चन आप रीड करिए ढंग से. कहीं आपको यह बता रहा है कि डिबेंचर्स कब रिडीम होंगे? कहीं आपको यह बता रहा है कि डिबेंचर्स कितने में इश्यू हुए? क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द इश्यू प्राइस. क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द रिडम्पशन. वी विल कंसीडर इट दैट द डिबेंचर्स आर इररिडीमेबल. वी विल कंसीडर दैट डिबेंचर्स आर इररिडीमेबल. तो अब अगर आप KD निकालेंगे तो KD का फॉर्मूला क्या होगा? KD विल बी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाय इश्यू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. डिबेंचर्स हमारे पास कितने परसेंट है? 9%. फेस वैल्यू दी नहीं है, मैं फेस वैल्यू एज्यूम कर ले रहा हूं 100. तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9. 100 का 9% इज 9. टैक्स रेट क्वेश्चन में सर गिवन है 40%, 0.40 डिवाइडेड बाय इश्यू वैल्यू. क्वेश्चन इज साइलेंट. आई एम एज्यूमिंग दैट द डिबेंचर्स हैव बीन इश्यूड एट पार. इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.40%. तो आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना हो गया? 5.40%. वर्किंग नोट नंबर 2, हमें अब क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का फॉर्मूला KP इज इक्वल्स टू डिविडेंड. अब यहां पर भी नहीं बता रहा था कि आपका इश्यू कितने पे हुआ, रिडम्पशन कब होना है. क्वेश्चन इज साइलेंट. तो वी विल कंसीडर इट एज इररिडीमेबल. अगेन हमें प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू नहीं दिया, तो अगेन आई एम एज्यूमिंग इट टू बी रुपीज 100. तो आपका जो डिविडेंड दिया जाएगा वो 100 का दिया जाएगा 12%. 100 का 12% इज 12. अगेन क्वेश्चन इज साइलेंट. आई एम एज्यूमिंग दैट डिबेंचर सॉरी दैट प्रेफरेंस हैज बीन इश्यूड एट पार. अगेन आई एम एज्यूमिंग प्रेफरेंस हैज बीन इश्यूड एट पार. इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12%. अब हम क्या निकाल लेते हैं? वर्किंग नोट नंबर 3. वर्किंग नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G. नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कंपनी जो देने वाली थी वो देने वाली थी 3 पर शेयर. तो D1 विल बी 3. P0 करंट मार्केट प्राइस इज रुपीज 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट इज 7%. इधर से 10% निकल के आएगा, इधर से 7% निकल के आएगा. टोटल रिजल्ट विल बी 17%. तो हमारे पास KD आ गई, हमारे पास KP आ गई, हमारे पास KE आ गई 17%. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? नाउ वी हैव टू फाइंड WACC. WACC हमें किस पे निकालना है? मार्केट वैल्यूज पे निकालना है. ठीक है, मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेशन करना है. तो वर्किंग नोट नंबर 4 भी बना लो और इसके अंदर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लो.
मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू ओके, डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है, वी विल एज्यूम दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 30 लाख एंड द प्रेफरेंसेस एंड द प्रेफरेंसेस 10 लाख. तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितने की हो जाएगी, 10 लाख की हो जाएगी. मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस, उल्टा लिख दिया, प्रेफरेंस जो है वो 10 लाख का है और जो इक्विटी है वो है आपकी, सॉरी डिबेंचर्स जो है वो है 30 लाख, ये है आपके पास 10 लाख. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है हमारे पास, 2 लाख इक्विटी शेयर हैं और इनका मार्केट वैल्यू कितना हो चुका है 30, तो 2 लाख इंटू 30 60 लाख, टोटल विल बी 100 लाख. अब जब हम इसका वेट निकालेंगे तो 30 लाख को 100 लाख से डिवाइड करेंगे 0.30, 10 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे 0.10, 60 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे 0.60. नाउ द फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड KO. KO इज इक्वल्स टू KD इनटू वेट ऑफ डेप्ट प्लस KP इनटू वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस KE इनटू वेट ऑफ इक्विटी. KD इज 5.40 and its weight is 0.30. KP is 12% and its weight is 0.10. KE is 17% and its weight is 0.60. 5.40 into 0.30, 1.62%. 12% into 0.10, 1.20%. 17 into 0.6, 10.20%. Total हो जाएगा 10.20 plus 1.62 plus 1.20, 13.02%. 13.02%. तो आपका overall cost of capital कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 13.02%. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं एंड उसके बाद अपना क्लास पैकअप करेंगे आज का. द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ साइमंस कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st December 2015. इनके पास इक्विटी शेयर्स हैं 10 लाख के, 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 4 लाख के, 12% डिबेंचर्स हैं 6 लाख के. द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज 110. It is expected that a dividend of rupees 10 per share would be declared. So expected बोल दिया, यानी कि ये आपका D1 है. The dividend growth rate is 6%. If the company is in 50% tax bracket, compute the weighted average cost of capital. Assuming that in order to finance an expansion plan, the company intends to borrow a fund of rupees 10 lakh bearing 14% rate of interest, what will be the company's revised weighted average cost of capital? The financing decision is expected to increase the dividend from rupees 10 to 12. However, the market price of the share is expected to decline from 110 to 105 per share. चलिए पहला काम हमारा वही कि working notes बना के cost of debt, cost of equity and cost of preference हम find कर लेते हैं, ठीक है ना. वर्किंग नोट बना के कॉस्ट ऑफ
वर्किंग नोट नंबर वन, कॉस्ट ऑफ डेप्ट. क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. वी विल कंसीडर दैट डिबेंचर्स हैव बीन इश्यूड एट पार एंड देयर इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स. ओके, सो वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑफ 12%. आई एम एज्यूमिंग फेस वैल्यू टू बी 100. ओके, तो इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी, फॉर्मूला इज इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय इश्यू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. इंटरेस्ट इज 12, टैक्स रेट इज 50%, होल डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, इट विल कम टू 6%. ओके, केपी का फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय इश्यू वैल्यू इनटू 100. अगेन वी विल अज्यूम दैट द प्रेफरेंस हैज बीन इश्यूड एट पार एंड देयर इज नो मैच्योरिटी डिफाइंड, देन इट इज इररिडीमेबल. 10% ऑफ रुपीज 100, देन इट विल बी 10 अपॉन 100 इनटू 100, इट विल बी 10%. इज इट ओके? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट केई. D1 अपॉन P0 इनटू 100 प्लस जी. एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज रुपीज 10 पर शेयर एंड द मार्केट प्राइस इज रुपीज 110. 10 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 100 एंड द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 6%. इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 100, 9.09% प्लस 6%, टोटल विल बी 15.09%. तो हमने केडी निकाल ली, केपी निकाल ली, केई निकाल ली. तो हमने अब ए वाला काम का, सॉरी बी वाला काम करना है. हमें डब्ल्यू ए सी सी फाइंड करनी है इस कंपनी की. तो जरा आप वेट्स निकालें तो टोटल कितना हो रहा है. टोटल हो रहा है 20 लाख. इक्विटी का वेट निकालेंगे तो आएगा 0.50. इसका वेट निकालेंगे आएगा 0.20. इसका वेट निकालेंगे आएगा 0.30. तो अब हमें KO फाइंड करना है. तो KO विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ प्रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस प्लस वेट ऑफ डेप्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेप्ट. वेट ऑफ इक्विटी इज 0.50 एंड इट्स कॉस्ट इज 15.09%, प्लस वेट ऑफ प्रेफरेंस इज 0.20 एंड इट्स कॉस्ट इज 10%. वेट ऑफ डेप्ट इज 0.30 एंड इट्स कॉस्ट इज 6%. 15.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज 7.54. 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 2 एंड 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 1.8, प्लस कर देंगे 3.8, इट विल बी 11.345%. इजी था यहां तक, कुछ नहीं था. बी पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन का अगला पार्ट हमसे कह रहा है कि कंपनी को एक्सपेंशन के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है. कंपनी को एक्सपेंशन के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है और ये 10 लाख उसने कहां से उठाए हैं. डेप्ट फंड से उठाए हैं जिसपे इनको इंटरेस्ट 14% के हिसाब से देना है. हमें फाइंड करना है रिवाइज्ड डब्ल्यूएसीसी. आपका डिविडेंड इंक्रीज हो जाएगा 10 से 12, लेकिन इसका मार्केट प्राइस फॉल हो जाएगा 110 से 105.
ठीक है सर, आइए करते हैं स्टार्ट। अगर कंपनी एडिशनल फाइनेंस लेती है लाख का, तो इस एडिशनल फाइनेंस का कॉस्ट क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आप लोन लेते हैं तो लोन का कॉस्ट निकलता है इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। हमने फाइनेंस उठाया है 14% से और कंपनी का जो टैक्स रेट था वो था 50%, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 0.50, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 7%। तो जो नया फंड आपने रेस किया उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7%। एडिशनल फंड रेस करने की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंज आ जाएगा, क्योंकि आपका D1 बदल गया। D1 बदलने से आपका प्राइस भी बदला, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंज आ जाएगा। अब कंपनी 12 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रही है और उसका प्राइस 105 हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 105 इनटू 100 प्लस ग्रोथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, ग्रोथ हम 6% ही कंसीडर कर रहे हैं। 12 डिवाइडेड बाय 105 इनटू 100 11.42 प्लस 6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 17.43%। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 10 लाख रुपए एडिशनल फाइनेंस की जरूरत है, ये एडिशनल फाइनेंस आपने 14% इंटरेस्ट वाले डेब्ट से ले लिया है, और आपने जब ये एडिशनल 10 लाख रुपए लिए तो आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, अर्निंग्स बढ़ने की वजह से आपने डिविडेंड बढ़ा दिया 10 की जगह पे, अब आप 12 रुपए का डिविडेंड देंगे, लेकिन आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर फॉल कर गया 110 से 105, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंज आ जाएगा, डेब्ट और प्रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अब पहले आपके पास 3 सोर्स ऑफ फाइनेंस थे, अब आपके पास 4 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हो गए। आपके पास पहले इक्विटी 10 लाख की थी, अब भी आपके पास इक्विटी 10 लाख की ही है, ठीक है ना? इक्विटी आपके पास अब भी 10 लाख की ही है। प्रेफरेंस पहले आपके पास 4 लाख के थे, अब भी 4 लाख के ही हैं। डिबेंचर्स पहले आपके पास 6 लाख के थे, अब भी 6 लाख के ही हैं, लेकिन अब आपने टर्म लोन भी ले लिया है, और टर्म लोन कितने का ले लिया है? 10 लाख का। तो टोटल अब आपके पास जो फाइनेंसेस हो गए हैं वो हो गए हैं 30 लाख के। अब अगर आप वेट निकालेंगे तो इसका वेट आएगा 0.33, 4 डिवाइडेड बाय 30, इसका आएगा 0.1333, इसका आएगा 0.20 और इसका आएगा 0.33333, ठीक है? अब आप रिवाइज्ड KO जब निकालेंगे तो KO का फॉर्मूला आप क्या बनेगा? KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस KP इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस KD इंटू वेट ऑफ डेप्ट प्लस KTL इंटू वेट ऑफ टर्म लोन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी नई वाली पिक करेंगे 17.43, वेट जो लिखेंगे नया वाला लिखेंगे 0.33, केपी जो पिक करेंगे वो पुरानी वाली ही पिक कर लेंगे, पुराना वाला केपी था आपका 10% और इसका वेट जो पिक करेंगे नया वाला करेंगे 0.133, केडी पुराना वाला पिक करेंगे, वेट जो है वो नया वाला पिक करेंगे, टर्म लोन 7% का आया है और इधर भी आपका वेट 0.33 है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 17.43 इंटू 0.33 एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो लास्ट डेसिमल तक लेकर जाइएगा, यहां से आएगा आपके पास 5.81%, इधर से आएगा आपके पास 1.33%,
इधर से आएगा आपके पास 1.20% और इधर आएगा 7 × 0.333333 2.33%। अब अगर आप इसका सम करेंगे 2.33 प्लस 1.2 प्लस 1.33 प्लस 5.81 रिजल्ट विल बी 10.67%। यानी कि आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अब हो जाएगा 10.67% जो कि पहले हुआ करता था 11.345%। तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट आर WACC हैज बीन फॉलन टू 10.667। आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे दैट आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO इज फॉलन टू 10.67% फ्रॉम 11.45% व्हेन एडिशनल 10 लाख हैज बीन रेस्ड टर्म लोन। आपका ओवरऑल कॉस्ट कम क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है सर, इसका रीजन है कि आपने टर्म लोन से पैसा उठाया है और टर्म लोन की वजह से आपके पास क्या आ रही है, टैक्स सेविंग्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। क्लियर? ठीक सर, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट सन पे। जो होमवर्क दिया है जरूर करिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि सर तू देखने आ नहीं रहे हम होमवर्क नहीं करेंगे। देखिए क्लासेस का फायदा तभी है जब आप मेरे साथ साथ चलें, तो ही हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे कि हमें मई 20 और जून 20 में जो अच्छा रिजल्ट लाना है। तो अगर आप साथ में होमवर्क कर रहे हैं, आपका सिलेबस साथ में होता जाएगा, टेक इट एज अ रेगुलर क्लास। ठीक है, आपने पैसा नहीं दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन क्लासेस को सीरियस नहीं लेंगे। एडवांटेज उठाइए, इन क्लासेस को सीरियस लीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप बेझिझक मेरे को कॉल करिए, ठीक है, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, आई एम अवेलेबल विद यू। आज के लिए इतना रखते हैं, टाटा बाय, टेक केयर।